मैंने आपसे बेवफाई करी है और इस बात का मुझे बखूबी अंदाजा है। ये तुम कैसे जानते हो? ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है और हेमंत अब काफी बदल गई है, उसमें बड़े पॉजिटिव चेंजेस आ गए। शायद वो आपसे पैसे वसूलना चाहती है। मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। मैं मोहब्बत और तुम, प्यारी है ना अंगूठी, बहुत प्यारी रिंग है, आप इसे कभी मत उतारो। अच्छा सुनो, आप कुछ बड़ी हो जाओ तो बच्चों वाली सब हरकतें छोड़ दो। क्या मतलब है? मैं समझदार नहीं हूँ, मैं छोटी बच्ची हूँ क्या? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। अब तुम देखो, तुम्हारी शादी होने वाली है, उस घर की सबसे बड़ी बहू होगी, समझदार तो होना पड़ेगा ना? हाँ, लेकिन उस घर में है ही कौन? बस रमशा और रोहान। लेकिन रिश्ते में रमशा से तो बड़ी होगी तुम। अब रमशा को लाइफ के सारे डिसीजंस में तुम्हें ही हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ, सोच लूंगी। फिलहाल तो हमें वहाँ पे साथ रहने दे आप लोग। ननन भाभी में बहुत मोहब्बत जताई जा रही है। पागल, चाय पी लो। तुम्हारा गला पहले से बेहतर हुआ? नहीं, अब तो और भी बैठ गया। एक तो तुमसे परहेज भी नहीं होता यास्मीन। मैं नहीं कर सकती परहेज, दवाई खा रही हूँ ना। अच्छी, फाइनली उसको आई है बनाने। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। क्या हुआ? खैरियत तो है? यास्मीन का सेट मुझसे गन पॉइंट पे छिन गया। पता था ये ऐसा ही कुछ करेगी, मेरा पसंदीदा सेट था वो, अब मैं क्या करूंगी? सब्र करो यास्मीन, भूल जाओ एक हादसा से। ऐसे कैसे सब्र कर लूं? आप बनवा के देंगे मुझे नया? मुझे नहीं पता। अरे बनवा दूंगा, प्लीज तुम फिक्र मत करो। जरूर कुछ होना, तुम्हें पता था इस औरत का। प्लीज। अरे मॉम डैड, क्या हो गया सब? मुझे गन पॉइंट पे लूट लिया गया। ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा हो गया? मुझे दिन दहाड़े लुटेरों ने लूट लिया। अरे एक्चुअली आपको नहीं लूटा गया डैड, दरअसल आपको लूटा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि जिस इंसान से आप जाके मिला करती थी ना, मैंने और रूहा ने अपनी आंखों से तुम्हें ज्वेलरी देते हुए देखा। ये बात तुम यकीन से किस तरह कह सकते हो? डैड मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं? आप मेरी बात का यकीन करें डैड। वो ठीक है, लेकिन मैं यकीन कैसे करूं? चूहा बताओ ना, तुम मेरे साथ थी, क्यों नहीं बोल रही हो कुछ? अंकल आंटी, हम दोनों साथ में ही थे जब ये ज्वेलरी हैंडओवर कर रही थी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ हेमंत? क्या ये सच है? तुम दोनों सच बोल रहे हो? ये झूठ है, साजिश है ये मेरे खिलाफ तुम लोगों की। समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। डैड आप रिलैक्स करें, आज बैठ जाए। जाओ रोहा पानी लेकर, जल्दी जाओ। मॉम डैड तुम्हें, डैड आप ठीक है ना? किस किस्म की औरत है ये? भाई मुझे आपसे बात करनी है। बोलो। पहले आप वॉल्यूम तो कम करें।
बोलिए। आप मुझसे तंग आ गए हैं। ये तुमसे किसने कहा? तो फिर आप क्यों मेरी शादी करवा के इस घर से और अपने आप से दूर करवाना चाह रहे हैं? देखो, शादी कराने का मकसद ये नहीं कि मैं तुमको इस घर से दूर कर दूं। तो फिर क्या है? देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ खुशगवार गुजारो, जैसे अमूमन लोग गुजारते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, मैं आपके और हया के साथ अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकती? वो तो तुम गुजार सकती हो। तो फिर क्यों कर रहे हैं आप ये सब? देखो मेरी गुड़िया, अपने भाई की खुशी का भी लिहाज करो। तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं चाहता हूँ कि मैं इस जिम्मेदारी से सबकदोश हो जाऊँ। मेरे लिए चाय तो बना दो। कब तक, आखिर कब तक सोग मनाओगे उस बेवफा का जिसके तुम्हारी जैसी भी परवाह नहीं थी? मैं परेशान हो रही हूं तुम्हें साल में देखकर। अपना नहीं तो कम से कम मेरा तो ख्याल करो। देखो जिया, मैं समझती हूं तुम दूसरी शादी कर लो। मैं तुम्हारे लिए अच्छी से अच्छी लड़की ढूंढूंगी बेटा। अम्मी, फिलहाल अभी आप से ऐसी बातें नहीं करें, मुझे दुख होगा। तुम्हें अपने दुख की परवाह है, मेरी नहीं। आवाज़ें दे रही हूँ, क्या बात है? हुमानी, आपको नहीं लगता फिजा बहुत बदल गई है? क्यों, ऐसा क्या हो गया? देखा नहीं आपने कितना मसरूफ रहती है? अच्छा, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तो और क्या, सारा दिन काम करती है, देर से घर आती है और आते ही कमरे में घुस जाती है, उससे तो बिल्कुल भी बात नहीं। तुम्हें नहीं लगता शायद वो इसलिए मसरूफ रहती है ताकि अपने गमों को भुला सके? क्यों मोमानी, हमसे बात करके उसको अच्छा नहीं लगेगा क्या? उसे छोड़ो तुम, जरा अपनी शादी के बारे में सोचो, उस पे कॉन्सेंट्रेट करो। उसके बाद तो सिर्फ तुम्हारी जबान पर एक ही नाम होगा, वो होगा रोहान। तुम फिक्र ना करो, वो ठीक है। अच्छा हुआ एमन की हकीकत सामने आ गई, वरना वो तो बेवकूफ बना ही लेती। वो अरे डैड को बेवकूफ बना रही थी, पापा बस कागजात साइन करने ही वाले थे। तो फिर अब क्या होगा? अब ये कि डैड को उसकी असलियत का पता लग गया, वो उसूलों के पक्के आदमी हैं। अगर उनको इस औरत का सच पता लग ही गया है तो वो इस औरत को एक टका नहीं देंगे। मैं एक बात सोच रही थी। क्या? यही कि अंकल एमन जैसी औरत से शादी करेंगे जो सारे आम उनकी इज्जत नीलाम करने पर तुली हुई है। यार मुझे लगता है भाई ना मंगनी के बाद बिल्कुल चेंज हो गए हैं। अब ये तो मुझ पे इल्जाम दे रही हो। यार मैं इल्जाम नहीं दे रही, मेरा मतलब है भाई अब ज्यादा जिम्मेदारियों का एहसास करने लगे हैं। हाँ, और मुझे भी जिम्मेदार बनने की तलकीन की जा रही है। कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे शादी ना खुशियों का नहीं बल्कि जिम्मेदारियों का दूसरा नाम है। हाँ यार मुझे भी यही लगता है, इसीलिए ना मैं शादी से दूर भागती हूँ। अब दूर भागने से कुछ भी नहीं होगा, अब ना अगली बारी तुम्हारी है, तुम्हें भी इस कैद में लाने की पूरी तैयारियाँ हो रही है। नहीं यार मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मुझे नहीं करनी शादी। गुड मॉर्निंग। तो खुद को तैयार करो, वैसे भी यही हमारी रिवायत है और बड़ों का हुक्म है।
हाँ अब तुम बड़ी अम्मा बन जाओ है ना, ये क्यों नहीं कहती तुम मेरे से जान छुड़वाना चाहती हो? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा सोचना भी नहीं। पहले मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, उसके बाद तुम्हारे भाई की मंगेतर। कभी भी हमारे रिश्ते पे किसी भी रिश्ते को अहमियत मत देना। सच्ची? चलो अब। हाँ क्लास का टाइम हो गया है। वो वही शख्स है ना जिससे तुम पहले मिलती रही थी और जिसकी वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया था। हाँ। तो अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? जायदाद में हिस्सा। एक बेवफा औरत को मैं अपनी जायदाद में हिस्सा क्यों दूं? क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूं। तुम मुझे यहां से लूट कर चली जाना चाहती थी क्योंकि तुम फहीम के साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज करने का सोच रही थी। जी नहीं, ये मुझ पे झूठा इल्जाम है। मैं वहां उससे अपना पीछा छोड़ाने गई थी और ये मेरी आखिरी मुलाकात थी उससे। अच्छा, इसीलिए तुम उसको सारी ज्वेलरी दे आई हो। मुझे तो लगता है ये कब से हमें लूट रही होगी, घर का जेवर और पैसे उसी को दे रही होगी। जी नहीं, ये मुझ पे झूठा इल्जाम है, बहतान है। चलो ये इल्जाम है लेकिन फहीम से मुलाकात तो इल्जाम नहीं, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। अमीन, मैं आपको पहले से कह रही थी कि ये औरत ठीक नहीं है। यास्मीन, मैंने इसके लिए फ्लैट खरीदा और उसके कागजात भी इसके नाम कर दिए मैंने, लेकिन अब मैं ये कागज फाड़ रहा हूं क्योंकि ये औरत इस काबिल नहीं। चले जाने के बाद तुम भी बिल्कुल बदल गई हो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम्हारे पास वक्त गुजारने को रुहान है, रमशा है, मैं क्या करूं? आखिरकार काम में ही अपना दिल लगाऊंगी। ये क्या है? तलाकनामा। क्या? मैं मोहब्बत और तुम, मैं मोहब्बत और तुम। सरप्राइज बर्थडे। इन सब की क्या जरूरत थी? आयाब, हम एक फैमिली हैं, हमारी खुशियां हमारा गम हमारा हिस्सा है। थैंक यू, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अब तुम अपने मंगेतर से इतना भी एक्सपेक्ट नहीं करती कि तुम्हारी खुशी का ख्याल रखे? थैंक यू वंस अगेन। अब बार बार थैंक यू बोल के ना मेरी मोहब्बत का इम्तिहान मत लो। चलो केक खाओ, आ जाओ। सब्जी काट ली, दे दो मुझे, मैं मसाला तैयार हो ही गया, बस शुरू करते हैं। हया, हया?
गया, क्या बात है, कहाँ गुमसुम हो? नहीं तो? अच्छा कुछ नहीं, मैं तुम्हारी मुमानी हूँ, बचपन से तुम्हें देख रही हूँ, मुझे पता है कब तुम्हारा मूड अच्छा होता है और कब तुम उदास होती हो। हाँ बस वो फिजा की बातों से ना दिल उदास हो जाता है। फिजा की बातों से? उसने क्या कह दिया? वो तो बेचारी मैं देख रही हूँ आजकल अपनी जॉब की टेंशन में मसरूफ है। वो पहले तो ऐसी नहीं थी, बदली खुद है और मुझे कहती है कि मैं बदल गई। कैसे बदल गई है, मैं समझी नहीं। उसे लगता है कि मैं उसकी जॉब से जेलिस हो रही हूँ, उसके लिए खुश नहीं हूँ, और जब से रुहान मेरी जिंदगी में है तब से ये सब कुछ हो रहा है। मोमानी जान क्या वाकई मैं बदल गई हूँ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ना तुम बदली हो और ना फिजा बदली है, बदल तो हालात गए हैं। आपा भी अब हमारे साथ नहीं है तो बहुत से ऐसे वाकयात देख रहे हैं हम के शायद हमारी सोच बदल गई है। इसका मतलब तब्दीली हम दोनों में आई है? हाँ तब्दीली तो आई है, लेकिन आया अच्छी बात यह है कि ये पॉजिटिव तब्दीली है, कुछ नेगेटिव नहीं है इसमें, तो फिर परेशान होने की क्या बात। हाँ फिर मैं ऐसा क्या करूँ कि फिजा की मुझसे नाराजगी दूर हो जाए? इसका तो बहुत आसान हल है, देखो जब कोई हमसे नाराज होता है तो हम क्या करते हैं, जाते हैं और उसे मना लेते हैं, तो फिर इंतजार किस बात का। जितना तुम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, जाओ मनाने में पहल करो और मना लो उसे। मैं यही करूँ। अब सब्जी काट के दो, यहाँ पे जल जाएगा सारा मसाला। हाँ खुदाया किस किस्म की औरत हो तुम, इतनी बातें हो चुकी हैं फिर भी यहीं बैठी हो, अभी तक गई नहीं। मैं बीवी हूँ अमीन की, तुम्हें क्या? बीवी होती तो बीवी होने का हक भी निभाती, तुमने तो बेवफाई की आखिरी हद भी पार कर दी। जबान संभाल कर बात करो। इतनी गंदी और नीच हरकत अगर मैंने की होती ना तो अमीन मुझे खड़े खड़े घर से निकाल देते। चलो। ये क्या है? तलाक नामा। क्या? अब तुम्हारा इस घर से कोई वास्ता नहीं, कोई जगह नहीं, तुम इस घर से जा सकती हो। ये जुल्म है मेरे साथ, मैं कहाँ जाऊंगी? आज तुम्हारे लिए खुशी का दिन है, जाओ फहीम के पास, उसी फहीम के पास जाओ, ऐश करो याची करो। ये ज्यादती है मेरे साथ। बीबी अब आप मेरे घर से जाएं, इससे पहले कि मेरे घर में और प्रॉब्लम्स आए। आउट। तुम्हारा सामान मैं मुलाजिम के हाथ पाए। अरे हया तुम्हारी ड्राइंग तो बड़ी अच्छी है। थैंक यू, इट्स रियली नाइस। चलो मैं लेट हो रही हूँ, मैं अपनी क्लास में जाती हूँ। ओके नहीं बस ऐसे। दिखाओ क्या बना रही हो। ये लो, देख लो। वाओ ये तुमने बनाई है, कितनी प्यारी स्केचिंग करती हो तुम, मुझे तो पता ही नहीं था मेरी दोस्त के अंदर एक आर्टिस्ट छुपी हुई है। अब पता चल गया ना तुम्हें? हाँ। और बताओ इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें छुपाई हुई आपने? नहीं करो यार, एक मैं वैसे परेशान हूँ और ऊपर से तुम्हें मजाक सोच। क्यों क्या हुआ? तुम्हें पता है मैं हर बात दिल पर नहीं लेती, लेकिन ना फिजा की बातें मुझे बहुत बुरी लगती हैं। फिजा ने कुछ कहा है? नहीं कुछ नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी फिजा के बारे में। अच्छा ठीक है, हम फिजा के बारे में कोई बात नहीं करते। ये बताओ कि आखिर तुम्हें ये सारे शौक कब से हैं?
बचपन से? हाँ बचपन से। फिर तो यार तुम्हें आर्ट स्कूल ज्वाइन करना चाहिए। टाइम कहाँ है मेरे पास? फिर आर्ट टीचर रख लो, मुझे पूरा यकीन है तुम अपना नाम जरूर बनाओगी। हाँ मैं बात करूंगी मामा से। चलो मैं आती हूँ क्लास। क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा, काम कर रहा हूं। इतने रूड क्यों हो रहे हो? वो नहीं, मैंने कब तुम्हें रूडनेस दिखा दी? ढंग से जवाब नहीं दे सकते मेरी बात का? ढंग से जवाब ढंग के सवाल का ही दिया जाता है। तो मेरे इंसल्ट कर रहे हो? लो अब मैं कुछ बोलता हूँ तो तुम कहती हो मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तो फिर सेलिब्रेट कर रहे हो? क्या सेलिब्रेट करूंगा मैं? वही खातून दोयम के जाने की खुशी। उनके जाने की जो खुशी है ना वो तो मनाओ तुम। और वैसे भी वो कौन सा मेरी दूसरी बीवी थी? डैड ने उनसे दूसरी शादी कर रखी थी और ना ही मैंने उन्हें कभी चोरी करते हुए या फ्रॉड करते हुए पकड़ा था और ना ही मेरे पास सबूत थे। मैं क्यों खुश होऊंगा? तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी तो क्या एक लम्हा भी नहीं गुजार सकती। मुझे भी नहीं गुजारनी तुम्हारे साथ जिंदगी। माफ कर दो मुझे। पहले परेशानियां क्या कम थी कि एक और परेशानी आ गई है। दोनों बहनों की आपस में नहीं बन रही। अरे लाओ 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 लाओ। शुक्रिया। थैंक यू। भाई एक बात है, आया के जाने के बाद इसके हाथों की शाम की चाय बहुत याद आई। मामू अगर आप इस तरह की बातें करेंगे ना तो मैं वहां कभी भी खुश नहीं रह सकूंगी। क्यों भाई? क्योंकि मैं जब भी वहां पे शाम को चाय बनाऊंगी तो मुझे आपकी बातें याद आ जाएंगी। बस कर दे आप दोनों ने रुलाना है क्या मुझे? अच्छा नहीं रुलाते। मोमानी फिजा कितना बदल गई है ना, हर वक्त बस काम काम और काम, मेरा तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। ऐसी बात नहीं है बेटा, या के बाद दीगरे उसने इतने दुख देखे कि अंदर से टूट गई है। अब वो काम कर रही है, अपने आप को मसरूफ रखे हुए, आस्ते आस्ते सब कुछ ठीक हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी लंबी उम्र है। जाओ हया फिजा के लिए चाय लेकर आओ, बेचारी थकी हुई आई है ना। इस वक्त इसके अलावा कुछ मांगती तो शायद वो भी मिल जाता। प्लीज हया। जल्दी नहीं आ गई, थोड़ा और ठहर जाती। इसको क्या हुआ? इसे मामू आते हैं। सलामुअलैकुम। क्या हुआ, नाराज हो मुझसे? हाँ। अच्छा तो फिर मेरा जुर्म भी बता दो। दिन रात तो तुम काम करती रहती, मुझे तो जैसे कहीं रखकर भूल गई। हया मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। ये सब मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि मेरे पास बैठकर मेरी बात सुन सको। अच्छा मुझे बताओ ऐसी क्या बात है जो मैंने नहीं सुनी, अब बता दो। बहुत सारी बातें। जैसे कि कौन सी? सब मैं तुमसे तुम्हारी खुशियों के बारे में पूछना चाहती हूँ। तुम कब तक खुद को ऐसे पैसा बनाने वाली मशीन बना के रखोगी? मैं मानती हूँ दो फैसले गलत हो गए तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम अपने लिए कुछ बेहतर सोच ही नहीं सकती।
मेरी तो तुमने मंगनी करवा दी, ये भी नहीं पूछा कि पहले मैं तुम्हारी खुशी देखना चाहती थी। अच्छा, तो फिर मेरी भी एक बात सुनो, अब तुम बड़ी हो गई, कुछ और बातें क्या, बचपने वाली बातें छोड़ दो। इसमें बचपना क्या है, तो तुम्हें मेरी छोटी छोटी खुशियां भी नहीं याद रहती। मतलब? मतलब मेरा बर्थडे आज और तुम भूल गई। ओह माय गॉड, मैं अपनी छोटी बहन का बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ। अच्छा, अभी हम तुम्हारा बर्थडे केक मंगवाते हैं, अच्छी सी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ओके मैम। नहीं, जोहाने सेलिब्रेट कर लिया। अच्छा तो ये बात है, तो कोई बात नहीं, एक बर्थडे हम भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। आती हूँ। ब्यूटीफुल, ये किसने बनाई स्केचेस? हया ने। हया स्केचेस भी जानती है? हाँ, बहुत अच्छी स्केचेस बनाती है हया। वाओ, बहुत सेंसिटिव है हया, चीजों को बहुत अच्छे से देखती है और महसूस करती है। वैसे ऐसे हसास इंसान ही ऐसे स्केचेस बना सकते हैं। रमशा, तुम्हें लगता है कि हया में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी सी है? क्या मतलब? मतलब ये कि कभी कभी वो मुझ पर भी ट्रस्ट नहीं करती। उसकी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ उसको लेके वो बहुत हसास हुई हुई है। हाँ ये तो है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो आप पे ट्रस्ट करने लग जाएगी। बस आप उसका एक दफ़ा भरोसा जीत लें, फिर वो आप पे आंखें बंद करके भरोसा करेगी। तुम सही कह रही हो, मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। ये देखें आप, ये वाला कितना अच्छा बना है। हया, तुम्हें भी मुझसे प्यार नहीं रहा ना? फिजा, ऐसा नहीं है। नहीं हया, मम्मी के चले जाने के बाद तुम भी बदल गई। हमारे हालात और वक्त बदल गए, कुछ भी तो पहले जैसा नहीं रहा। मम्मी के चले जाने के बाद तुम भी बिल्कुल बदल गई हो। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम्हारे पास वक्त गुजारने को रूहान है, रमशा है, मैं क्या करूं? आखिरकार काम में ही अपना दिल लगाऊंगी मैं। प्लीज सॉरी मत बोलो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सख्ती नहीं हूं मैं, कोई भी इंसान इतना ही हसास होता है जितना मैं। तो फिर तुम्हें मेरे अंदर प्यार क्यों नहीं नजर आता आज़र? तो हाँ, मुझे ये लगता है कि अगर मैंने अब दोबारा मोहब्बत कर ली ना, तो मैं अपनी पुरानी वाली मोहब्बत को भूल जाऊंगा। रूहान एक आर्ट टीचर है, मुझे क्लासेस लेने के ऑफर कर रहे थे फ्री में। अच्छी बात है, तो मैं मिल लूँ उनसे। क्यों नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। क्या कामिल मामू मान जाएंगे? मैं बात करके देख लूँगी। देखो यार, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो और मुझ पर भरोसा करने की कोशिश किया करो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ।